किस तरह से आप पटना से काठमांडू एक लो बजट में नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस कुछ दिन के लिए सेवाएं कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। समोसा जो है ना क्रंची है। आपको हर रेस्टोरेंट होटल में आपको वाइन और बिस्की मिल जाएगा, पीने वालों की मस्ती है। बाकी हमारे लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। नमस्ते श्लामेन सत श्रीकाल और स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, एक रोड ट्रिप पे इस बार ट्रेन जर्नी नहीं, थंबनेल टाइटल्स आइडिया हो गया होगा। इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं बस से, मैं जा रहा हूँ पटना से काठमांडू। मेरा लगेज भी हो चुका है पैक। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा इस किस तरह से आप पटना से काठमांडू एक लो बजट में आप पहुँच सकते हैं। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं बस स्टैंड के पास। चलिए मम्मी जी, राधे राधे, है ना। और लायन हमारे माता श्री का ध्यान रखे, हमारे मम्मी जी का ध्यान रखिएगा। लायन बाय। चलिए फटाफट मिलते हैं बस स्टैंड के पास। ये सामने लगी हुई है, जी हाँ, काठमांडू पटना नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप पैसेंजर बस। कुछ दिन के लिए सेवाएं कोरोना काल में बंद कर दी गई थी और फिर से रीस्टार्ट हो चुका है। तो बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है अपना नेपाल भारत मैत्री बस सेवा। काठमांडू जाने की सोच रहे हैं पटना से, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये बस। बॉक्स दोपहर 1:30 बजे यहाँ से खुलती है और ठीक अगले दिन यानी कल सुबह 5 बजे होंगे आप सुबह काठमांडू। तो मैं आ चुका हूँ जी हाँ सरकारी बस स्टैंड, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बाकीपुर बस स्टैंड के पास। और ये बस स्टैंड कुछ दिनों बाद यहाँ से चेंज हो जाएगा शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है ये शिफ्ट कर जाएगा फुलवारी शरीफ में। और इस सरकारी बस स्टैंड से आपको बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हर शहर में जाने के लिए आपको बस आपको यहाँ से मिल जाएगी। टू बाई टू का सीटिंग अरेंजमेंट है ना, बाकी मेरी सीट है सामने वाली। कुछ इस तरह का इंटीरियर आप देख सकते हो, है ना, बाकी लगेज स्पेस भी अच्छा दिया हुआ है। जो हैंडरेस्ट के नीचे एक ब्लू कलर का आपको बटन दिख रहा है, ये सामने इसको प्रेस करके। और लिक्लाइनर या भाई साहब लिक्लाइनर का जबरदस्त है यार, छोटा सा पॉकेट दिया हुआ है ना, वाटर बॉटल स्टैंड। इस हैंडरेस्ट के नीचे आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं दो USB पोर्ट मिल जाएगा, जहाँ आप USB केबल लगा के मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। और बस कुछ पल में बस अब यहाँ से रवाना होगी। और ये यही बस अगर आपको काठमांडू से पटना आना है तो स्वयंभू वहाँ पे जगह है काठमांडू में, वहाँ से आपको ये बस मिल जाएगी पटना के लिए। तो भाई साहब बस देख रहे हो, बस पूरी की पूरी पैक्ड हो चुकी है, बस कुछ पल में हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। ट्रेन में तो देखा था यार, बस में भी अब शुरू हो गया बताओ। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस में भी। किस रूट से निकले कंडक्टर साहब? हम गढ़वा रक्सौल होकर के निकले और रक्सौल के रास्ते पहुंचेंगे काठमांडू। पपीता पपीता भैया, भैया हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर के पासवान चौक। भाई साहब पासवान चौक के पास अब जब भी आओगे ना तो ऐसा ही रश मिलेगा।
भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हैं रामाश्री चौक के पास, और यहाँ से जो सामने आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज, वो सीधा चला जाएगा छपरा, जो 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे से निकलेंगे और राइट टर्न लेंगे मुजफ्फरपुर के लिए, जो 55 किलोमीटर है हाजीपुर से। छपरा बस की टिकट की बात करें ना, तो ये आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिलेगा, बाकी पूर सरकारी बस स्टैंड जो है वहाँ पे आना पड़ेगा। और मैं नॉर्मली रेड बस से टिकट बुक करता हूँ, मुझे रेड बस में भी ऑप्शन नहीं दिखा था, तो किसी ने बताया कि नहीं इसका बाकी पूर बस स्टैंड पे टिकट मिलना शुरू हो चुका है। बीच में बंद हो गया था, बीच में बस सेवा बंद हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले फिर से शुरू हो चुका है। फेयर की बात करें तो आपको पटना से काठमांडू का फेयर पड़ेगा 1300, इसमें एक वाटर बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री, जी हाँ एक पानी का बॉटल मिलेगा। मुजफ्फरपुर शहर में एंटर कर चुके हैं, कुछ नज़ारा ले लीजिए मुजफ्फरपुर शहर का। और ये है मुजफ्फरपुर का फेमस भगवानपुर चौक, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये भगवानपुर चौक। ओवर फ्लाई ऊपर है, ठीक आपने देखा है ऊपर से फ्लाई ओवर भी निकलता है यहाँ से। गोपाल ढाबा है यहाँ पे, 15 मिनट का ब्रेक है, कुछ इस तरह का है गोपाल ढाबा। कहाँ का है भैया? समोसा मिला, गरम है, दो समोसा खिलाइए ना। कैसे खिला रहे समोसा? 8 रुपये। दो दो तो दे दो समोसा, तो दो समोसा दे दो। यहीं पे काम करते हैं, चाय खिलाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने समोसे के बारे में बात किया तो ये भैया कह रहे हैं कि समोसा अच्छा है, मैं सही में देखते हैं टेस्ट। चाय भी ठीक है, चाय भी सही है। सेम समोसा जो है ना क्रंची है। आलू की स्टफिंग देख रहे हैं, आलू की स्टफिंग भी अच्छा है, मूंगफली भी मिलाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब है समोसे खा सकते हैं गोपाल ढाबे का। कैमरा कैमरा खींच रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चले भैया, जैसा मुस्कुरा रहे हैं वैसा चाय भी, चाय देखने में लग रहा है, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अरे पान बड़ा खाते हैं भैया, पूरा पान खा के दांत लाल किए हुए। लेबर को सेविंग करने पड़ता है। चाय अच्छी है।
तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं पिपरा कोठी, और ये हम लोग पिपरा कोठी से ये सामने वाला जो फ्लाईओवर है उस पर इसके ऊपर से जाएंगे। बाकी अब गोरखपुर के लिए आप ये जो साइड से आप देख रहे हैं सड़क, यहीं से नीचे से गोरखपुर के लिए आगे चलकर दिखाता हूँ गोरखपुर वाली रोड कहाँ से कटती है। ठीक, हमारे पुल के नीचे से कटेगी गोरखपुर वाली रोड। तो ये है भाई साहब पिपरा कोठी। हेलो, ये लेफ्ट साइड में यही रोड चला गया है गोरखपुर गोपालगंज लखनऊ ठीक सामने, और हम लोग सीधे निकल चुके हैं मोतिहारी की ओर। हम लोग पहुंच चुके हैं मोतिहारी, और यहाँ से आप देख सकते हैं गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूजियम लेफ्ट साइड की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पे। रात के अप्रॉक्स 10 बजे हम लोगों ने क्रॉस किया था वीरगंज बॉर्डर को, और वहाँ से अप्रॉक्स 40 या 50 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, बस पता नहीं अचानक क्या प्रॉब्लम। और बाकी इस समय हमें रहना चाहिए काठमांडू, बट कुछ इस तरह का हिटोरा बाजार है। और ये क्या है, ये फिश फ्राई है ना, फिश फ्राई चिकन रोस्ट। और उधर आप देख रहे हैं फिश फ्राई है चिकन रोस्ट है, और यहाँ पे वेज खाना भी मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ है ना, हमारे काठमांडू ये नेपाल में क्या है, आपको हर रेस्टोरेंट होटल में आपको वाइन और विस्की मिल जाएगा, पीने वालों की मस्ती है। बाकी हमारे लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है वेज चाउमीन, और बाकी यार क्या ही बोले अभी हमें रहना चाहिए था काठमांडू, बट हम हैं अभी हेटोड़ा के बाजार में। बस में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, बाहर से इंजीनियर को बुलाया गया तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और हम लोग कैसे कैसे पहुँचे हेटोड़ा सुबह 10 बजे। ये आ चुका है अपना वेज चाउमीन, कुछ अलग ही टेस्ट है, लेकिन बहुत ही लाजवाब। और नारायण घाट से थोड़ा सा हम लोग आगे निकले, अभी जगह का नाम पता नहीं चल रहा है यार, इधर पीछे पहाड़ है ना, लेकिन बगल में एक खूबसूरत सा रिवर है, और रिवर का नाम क्या है मालूम है, राप्ती। इसी रिवर के नाम से एक राप्ती सागर एक्सप्रेस भी चलती है गोरखपुर से। 15 मिनट का ब्रेक दिया गया है लोगों को वॉशरूम जाने के लिए, चाय पानी नाश्ते के लिए, तो मुझे कुछ खाने पीने का इच्छा था नहीं, मैंने सोचा क्यों नहीं चल के थोड़ा सा। तो ये है भाई साहब राप्ती रिवर, पानी देखिए पानी कितना साफ सुथरा है, अगर ये आधे घंटे का ब्रेक रहता ना तो भाई मैं तो जाके नहा लेता नदी में।
और यहाँ का नज़ारा देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। सोचा था कि आज काठमांडू में कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बट लगता है अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग नारायण घाट से अप्रॉक्स लगता है 40-50 किलोमीटर आगे आए हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर है काठमांडू। 4 या 5 बजे तक शाम तक पहुँचेंगे। होप आपने अभी तक का वीडियो एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलेंगे।